अन्नपूर्णा देवी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में ताजपोशी के साथ ही यह तय हो गया है कि वे झारखंड में ओबीसी राजनीति की नई धुर बनेंगी। हालांकि पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि बिहार की तरह झारखंड में भी बीजेपी की साझेदारी आजसू पार्टी को केंद्रीय कैबिनेट में मौका मिलेगा और उसके माध्यम से बीजेपी राज्य के कुड़मी मतदाताओं के बीच अपना आधार पुख्ता करेगी। लेकिन बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की प्रक्रिया के तहत अन्नपूर्णा देवी के कद को विस्तार दिया है, जिसमें आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर केंद्रीय कैबिनेट में एक सीट मांगी थी। पहले से झारखंड से केंद्रीय मंत्री भाजपा कोटे से आदिवासी अर्जुन मुंडा है। ऐसे में सियासी पंडित यह अनुमान लगा रहे थे कि राज्य में आदिवासी के बाद दूसरे सबसे बड़े वोट बैंक कुड़मी को साधने के लिए बीजेपी नेतृत्व झारखंड से केंद्रीय कैबिनेट में एक और सीट दे सकता है। लेकिन बीजेपी ने ओबीसी पर दाव खेलना तय किया और उसका फायदा पिछले लोकसभा चुनाव के समय पार्टी में शामिल हुई अन्नपूर्णा देवी को मिला। एक दौर था जब झारखंड में अन्नपूर्णा देवी को लालू प्रसाद के खास सिपहसालारों में शुमार किया जाता था। वह बिहार और झारखंड में राजद की गंभीर नेताओं में जानी मानी जाती थी, परंतु 2014 में कोडरमा से विधानसभा चुनाव हारने के बाद अन्नपूर्णा को लगा कि झारखंड के इलाके में लालू प्रसाद का करिश्मा अब चूक रहा है। उन्हें अपनी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए राष्ट्रीय फलक की तलाश थी। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय नेता भूपेंद्र यादव के ऑफर ने उन्हें राह दिखाई। 21 सालों से राजनीति में हरे परचम लहराती अन्नपूर्णा ने केसरिया बाना पहना बीजेपी में शामिल होते ही कोडरमा से सांसद बन गई। कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला और अब उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिया गया है।